नहीं गए, हम नहीं कह रहे, बल्कि लुधियाना के वार्ड नंबर 91 के लोगों द्वारा अपनी गली के बाहर बड़े बड़े बैनर लगाकर उस पर लिखवा दिया गया है कि सानू मौजूदा काउंसलर की लोड़ नहीं, क्योंकि उनके मोहल्ले में पिछले 6 महीने से पीने वाला पानी दूषित आ रहा है और सड़कों की हालत खस्ता हाल में है। इस बारे में कई बार वार्ड नंबर 91 के इलाका निवासियों द्वारा काउंसलर से गुजारिश करने के बावजूद भी कोई हल नहीं हुआ और आखिरकार मोहल्ला वासियों द्वारा यह रुख अख्तियार करते हुए अपनी गलियों के बाहर लिखवा दिया गया कि सानू मौजूदा काउंसलर की लोड़ नहीं। और जब इस मामले में हमने भी काउंसलर से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आप भी देखें हैं खास रिपोर्ट। चंद्र नगर ईस्ट मलिया कोठिया सामने साड़ी कलोनी है, सारे पास गेट लगे ने, सारे इलाके पता है कलोनी लहदा है। वो कलोनी बहुत वधिया बनाई गई सी क्योंकि इस करके सारे और अच्छे तो अच्छे ऐसे लोग रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे बड़े, और इन्हों अज तो वैसे 8-9 महीने प्रॉब्लम चल रही है। 6 महीने पहलों असी धरना लाया से पुली उत्ते, और इन्होंने समझाया से संधु साहब साडिया सेवरी की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सड़कों की प्रॉब्लम, इन्हों हल करो, नहीं जी असी जल्दी तो जल्दी करा। वो कोई इन्नी देखो असी किन्ने बच्चे घर घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस वे परेशान हो रहे हैं, जनानियाँ परेशान हो रही हैं, असी खुद बीमार हैं। मैं खुद 15 दिन बाद उठाया, मैं आप इंफेक्शन हो गई सी, लैटरिंग 4-5-15 दिन लगे रही, मैं खुद बीमार उठाया, हूँ उठ के आया। और प्रॉब्लम असं कहने कि जल्दी तो जल्दी सीवरेज की जड़ी पानी की, खासकर सब तो पहले पानी साफ सानू मिलना चाहिए मोहल्ले वालों। धमकी आई हैं साढ़े भाई साहब ने दसिया, बनवारी लाल जी ने किसा किसा उन्होंने नाल नजायज़ किया गया, जब समान चुकाया कोई हो रही है, मतलब कई गल्ला उन्होंने की, लेकिन मैं लिए कोई गल नहीं हुई क्योंकि मैं भी मां सगा, इस करके मैंने शायद कॉन्टैक्ट ना उन्होंने किया हो, इस भाई साहब साढ़े भाई साहब ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने सारिया इस भी गलों में दस चुके हैं सारा कुछ। इत जी लिखा गया मोहल्ले का बड़ी देर तो रोस चलता पे गंदे पानी के बाबत, तो गंदे पानी के हल ना होने खातर मतलब गंदा पानी पीने मजबूर है, तो 8-9 महीने तो सुनवाई ना होने के बाद बार बार कौंसलर साहब ने तकीद करने के बावजूद भी वह कोई हल नहीं कढ़िया गया। मोहल्ले के रोस बाबत सानू लगाने पे कि सानू यह कौंसलर की लोड़ है जिहड़ा साडी सुनवाई नहीं करता, साडी प्रॉपर हल नहीं करता, गंदा पानी असी पीने मजबूर हैं, तो इस करके सानू बैनर लगाने पे। इस तो अलावा साडी कलोनी छड़ के होर एक थापर कलोनी प्रीत बिहार वाले ने भी यह जे बैनर लगाए ने गंदे पानी के बाबत, उन्होंने गुमशुदगी उत्ते करीब उन्होंने हाल ही नहीं लिया होना, उन्होंने गुमशुदगी बारे लाया भी कौंसलर साढ़े गुमशुद। सानू धमकी दी गई है जी, तुसी भाई तुसी इन्हां दे अगवाकार हो, तुसी इन्हां नूं अगे उकसाया गया, इन्हां नूं कार कमिश्नर पेश किया गया जां तुसी बैनर लवाए ने। मैं कहा भी महल वाले का रोष है, मैं भी खुद महल जाना, मैं खुद गंदा पानी धमकी आने जी मेरा ज कहता मैं देख लूँगा, उन्होंने दे देखना की सी मेरा समान जोड़ा मेरा कारोबारी समान बाहर गली पिया सीगा, वो गड्डी मंगा के तय बजारी ने सारा समान मेरा चुका के गड्डी भरा के लै गए, तो प्लस प्लस होर मैं टारगेट मेरे जो थ्रैड करने वास्ते इलीगल नोट्स भेजने शुरू करते भी थोड़ा समरसीबल का लगा, थोड़ा 68,000 का नोट्स भेजता, होर मेरे कई एक अद्धी प्रॉपर्टी के बैंड किराए बैठे उत्ते भेजते जी, उन्होंने नोट्स भेजते, यानी एकदम तुरंत अटैक किया गया। मेरे बच्चे ने 2 बार पैर से फ्रैक्चर हो गया है, आ गलियां टूटियां होने के बावजूद 2 बार फ्रैक्चर हो गया पैर, और गलियां का हाल देखो, पानी गंदा मिल रहा है पीने के लिए और कोई भी सल्यूशन नहीं है। जनवरी तो गए थे उन्होंने कोल, तो क्या कहते बस सीवरेज ब्लॉक है, सीवरेज ब्लॉक है, एक सोटी मार के सीवरेज कोई साफ होंगे ने कि, बल्कि 15 दिन बाद तुम मशीन लगा के साफ करो, कदे प्रॉब्लम ही ना आवे गंदी, और पानी गंदा आ रहा उन्होंने पी के साढ़े पेट खराब हो रहे हैं, और बल्कि हॉस्पिटल तक जाके आए हैं। हाँ जी हाँ जी, बच्चे भी बहुत परेशान हैं, जो रोज़ ही गंदा पानी मिलना पीने लिए, बच्चे स्कूल की स्टडी खराब हो रही है, बच्चों की बच्चे जा नहीं पा रहे स्कूल भी,